वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 21st लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। अब तक हमने 3 लेक्चर्स खत्म कर लिए हैं, जिसमें हमने सिंपल मैकेनिज्म जो अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हुआ है, दूसरा हमने पढ़ा हुआ है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस, और तीसरा हमने पढ़ा हुआ है कौन सा चैप्टर, हमने फ्लाई व्हील मतलब जिसमें काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और फ्लाई व्हील के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं कैम्स एंड फॉलोअर। अब तक आपने जितना पढ़ा हुआ है और मैंने जितना डिलीवर किया है आपको, जितना भी डिलीवर किया है, पूरा का पूरा मेरा फोकस कंटेंट रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम पैटर्न। जिस पैटर्न पे एग्जाम आता है उसी पैटर्न पे मैंने क्वेश्चंस को अरेंज किया है टॉपिक्स के साथ, ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और मेरा आगे के चैप्टर्स में भी यही पैटर्न रहेगा। देखिए, अगर किसी चैप्टर में बहुत ज्यादा मैटर है, ठीक है, तो आपने एक प्रिंसिपल सुना होगा 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि अगर आपकी बुक में कोई चैप्टर है तो उस चैप्टर में 20% सिलेबस ऐसा होता है जिससे 80% क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो जैसे मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं तो उसमें मेरा मेन फोकस ये रहता है कि वो कौन कौन से फोकस्ड एरिया हैं जहां से एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई टॉपिक छोड़ूंगा या छोड़ रहा हूं, मैं सारे टॉपिक्स कवर कर रहा हूं। हां, लेकिन ये है कि जिन पर वेटेज ज्यादा है, जिन टॉपिक्स पर वेटेज ज्यादा है, मैं उनके साथ क्वेश्चंस आपको ज्यादा नंबर में कराऊंगा, और जिनके साथ वेटेज कम है उनके साथ मेरे क्वेश्चंस बहुत ही कम रहेंगे या तो नहीं रहेंगे। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से तैयार करते रहिए। ठीक है, देखते रहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस करिए उतना अच्छा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम कैम्स एंड फॉलोअर। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, कैम्स एंड फॉलोअर। अब ये कैम क्या होता है, दो चीजें आएंगी हमारे पास, कैम्स एंड फॉलोअर। अब ये कैम एंड फॉलोअर एक साथ बोला जाता है, जिसमें कैम हमारा क्या होता है, इनपुट। ठीक है, जो कैम होता है, कैम एंड फॉलोअर, तो दिस कैम इज माई इनपुट, कैम इज माई इनपुट एंड फॉलोअर इज माई आउटपुट, एंड फॉलोअर इज माई आउटपुट। क्या मतलब हुआ कि कैम एक तो बॉडी तो होगी हमारी, ठीक है, जिस पर हम कोई इनपुट मोशन दे रहे होंगे। कैम पर हम क्या दे रहे होंगे, कैम पर हम इनपुट मोशन दे रहे होंगे, मतलब कैम को घुमा रहे होंगे या फ्लक्चुएट करा रहे होंगे, या कैम को हम लीनियर मोशन दे रहे होंगे। दैट इनपुट कैन बी ऑफ एनी काइंड, वो इनपुट किसी भी तरीके का हो सकता है। मतलब ये इनपुट मोशन आप जो दोगे कैम को, वो कैसा हो सकता है, वो रोटरी हो सकता है, ठीक है, और ऑक्सीलेटरी हो सकता है, या ट्रांसलेटरी भी हो सकता है, ट्रांसलेशन भी हो सकता है। ठीक, इनपुट पे आप इनमें से कोई भी मोशन दे सकते हो, उसके बदले में फॉलोअर, फॉलोअर मतलब जो मूव करेगा, जिस पे हमको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मोशन मिलेगा। अब वो आउटपुट कैसा मिलेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द इनपुट, और हमें अपने मैकेनिज्म में किस तरीके का आउटपुट चाहिए ये इस पर भी डिपेंड करेगा फॉलोअर। लेट से कि कहीं पर आपको रेसिप्रोकेटिंग या ट्रांसलेटरी टाइप का मोशन चाहिए, ठीक है, कहीं पर आपको रेसिप्रोकेटिंग या ट्रांसलेटरी टाइप का मोशन चाहिए, तो वहां पे हम कैम की अलग तरीके की मैकेनिज्म लगाएंगे। कहीं पर हमको कैम का ऑक्सीलेटरी मोशन चाहिए, वहां पर सॉरी फॉलोअर का ऑक्सीलेटरी मोशन चाहिए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, कैम का अलग पैटर्न लगाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा फॉलोअर का शेप एंड साइज कि हमें आउटपुट पे मोशन कैसा चाहिए, ठीक है, और इनपुट पर भी हम कई तरीके के मोशन अवेलेबल करा सकते हैं, वो रोटरी हो सकता है, दूसरा ऑक्सीलेटरी हो सकता है, या ट्रांसलेटिंग भी हो सकता है, मतलब एक ट्रांसलेटिंग मोशन करेगा, एक मतलब लीनियर मोशन, आगे पीछे ऑक्सीलेटिंग मोशन करेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है कैम। तो आपको यह चीज समझ में आ गई होगी, एक बेसिक आइडिया, कैम हमारा काम करेगा एज अ इनपुट, जहां पर हम मोशन देंगे, और फॉलोअर हमारा कैसे एक्ट करेगा, एज अ आउटपुट, जहां पर हमको आउटपुट पे मोशन मिलेगा।
और कैसा मोशन मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि हमें किस तरीके का मोशन अपनी मैकेनिज्म में चाहिए, ठीक है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। चलिए देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं इसकी, आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। पढ़ते हैं क्या है कैम। ठीक है, लिखा हुआ है कैम मे बी डिफाइंड एज अ रोटेटिंग और अ रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट। देखिए लिखा हुआ है ना, रोटेटिंग हो सकता है मतलब आप इसको रोटेट करा सकते हो कैम को, और अ रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट मतलब रेसिप्रोकेट का मतलब होता है जो एक लीनियर मोशन में मूव करे, आगे पीछे रेसिप्रोकेट करे, ठीक है, आगे पीछे रेसिप्रोकेटिंग हमने पढ़ा हुआ है। तो आप समझ रहे हो ना इस रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग शब्द का मतलब क्या हुआ, इन दोनों शब्द का मतलब। रोटेटिंग जहां पे हमारा कैम रोटेट करेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कैम क्या करे, कैम रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा हो। तो अ कैम कैन बी डिफाइंड एज अ रोटेटिंग और अ रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट ऑफ अ मैकेनिज्म विच ट्रांसमिट्स, जो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, भेजेगा रेसिप्रोकेटिंग और ऑक्सीलेटिंग मोशन टू द अदर एलिमेंट नोन एज फॉलोअर बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अब देखिए यहां पर क्या होगा, जो इनपुट मेरा, इनपुट मैंने क्या बताया, इनपुट एज अ कैम, जो कैम है हमारा, ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा एज अ इनपुट जहां पर हम मोशन देंगे, और जो फॉलोअर होगा ये कैसे एक्ट करेगा, फॉलोअर एक्ट करेगा एज अ मेरा आउटपुट, जहां से हमको मोशन मिलेगा, आउटपुट पे मोशन मिलेगा। और इनपुट से आउटपुट मोशन हमें कैसे मिल रहा होगा, बाय द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। इधर देखिए क्या लिखा है, बाय द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, मतलब जो कैम एंड फॉलोअर होंगे वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होंगे, और उस कॉन्टेक्ट की वजह से हमें क्या मिल रहा होगा, उस कॉन्टेक्ट की वजह से हमें मिल रहा होगा आउटपुट पे मोशन। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, वापस से देखते हैं कैम क्या कर रहा है। कैम एक तरीके का मेंबर है, एलिमेंट है, मशीन का पार्ट है, वो रोटेटिंग हो सकता है या रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है मैकेनिज्म में, जो ट्रांसमिट करेगा, भेजेगा हमारे आउटपुट पे मोशन को, और वो मोशन कैसा हो सकता है, आउटपुट वाला मोशन या तो रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है, जो आउटपुट पे हमें मोशन मिलेगा वो कैसा हो सकता है, रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है, या तो ट्रांसलेटिंग या ऑक्सीलेटिंग हो सकता है। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बताया है, कैम इनपुट एंड फॉलोअर विल बी आउटपुट। कैसा मोशन देंगे हम इनपुट पे, वो रोटेटिंग हो सकता है, ऑक्सीलेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग कैसा भी हो सकता है, और आउटपुट पे हमें जो मोशन मिलेगा वो कैसा हो सकता है, वो रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है या ऑक्सीलेटिंग टाइप का हो सकता है, ठीक, डिपेंड करेगा हमें आउटपुट पे किस तरीके का मोशन चाहिए, और ये डिपेंड करेगा हमारी मैकेनिज्म पर कि हम उसको किस तरीके की मैकेनिज्म में यूज कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट, और इनपुट से आउटपुट पे जो मोशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। क्लियर है पॉइंट, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैम एनी कॉम्प्लिकेटेड आउटपुट मोशंस विच आर अदरवाइज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस कैन इजिली बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। अब देखिए जो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा हुआ था, चैप्टर नंबर 1 सिंपल मैकेनिज्म, तो वहां पे हमने कुछ बेसिक मैकेनिज्म पढ़ी थी, जैसे कि 4 बार चेन, फिर उससे सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पे आए थे, फिर सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के हमने कई सारे इन्वर्जन्स देखे थे, जैसे फॉर एग्जांपल रेसिप्रोकेटिंग इंजन, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, रोटरी आईसी इंजन मैकेनिज्म, ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन टाइप मैकेनिज्म, स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, हैंड पंप, फिर डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के देखे थे, ठीक है। तो उन मैकेनिज्म को बनाने के लिए हमें कई सारी नंबर ऑफ लिंक्स की जरूरत पड़ रही थी, उन मैकेनिज्म को बनाने के लिए हमें कई सारी लिंक्स की जरूरत पड़ रही थी। और आपको एक चीज बता दूं कि आपके मैकेनिज्म में जितने ज्यादा नंबर ऑफ लिंक्स होंगे, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ लिंक्स होंगे L, उतना ही हमारा जो स्ट्रक्चर होता जाएगा उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड मतलब उस मैकेनिज्म के थ्रू आउटपुट पे मोशन मिलेगा तो, लेकिन वो बहुत कठिन तरीके से मिलेगा, बात समझ पा रहे हैं, वो हमें बहुत कठिन तरीके से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल
जैसे अगर हम सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म देखें, सिंपल सा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, तो कैसे था? ये था सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अब इसमें क्या था, देखिए हमको चार लिंक की जरूरत पड़ी थी, दिस वाज लिंक नंबर वन, क्रैंक हो गया लिंक नंबर टू, कनेक्टिंग रॉड हो गई लिंक नंबर थ्री, एंड दिस स्लाइडर इज लिंक नंबर फोर। इसमें हमें चार लिंक की जरूरत पड़ी। अब क्या हो रहा है कि पहले आप क्रैंक को रोटेट कराओगे, रोटेट कराओगे तो उससे हमारा जो कनेक्टिंग रॉड है ये मोशन करेगा, ये मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, इस ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को मिला के हमने एक नया नाम दिया था, जनरल मोशन, ठीक है, इसको एक नया नाम हमने बोला था, जनरल मोशन, जब आई सेंटर पढ़ रहे थे, ठीक है, एक तरीके का जनरल मोशन बनेगा। तो देखिए क्या है, इसमें जब आप क्रैंक को रोटेट कराओगे तो क्रैंक रोटेट करेगा, उसके बाद फिर स्लाइडर हमारा कनेक्टिंग रॉड मूव करेगा, तो क्रैंक मूव किया फिर कनेक्टिंग रॉड मूव किया, उसके बाद में हमें आउटपुट जो हमारा स्लाइडर है वहां पर जाकर जो आउटपुट पे हमें मोशन मिल रहा है वो कैसा मोशन मिल रहा है, आउटपुट पे हमें अब जाकर जो मोशन मिला वो कैसा मिला, रेसिप्रोकेटिंग मोशन स्लाइडर का, ठीक है, स्लाइडर का रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिला। तो क्या यहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट है, मतलब क्रैंक और स्लाइडर का क्या डायरेक्ट कांटेक्ट है, क्या क्रैंक और स्लाइडर का डायरेक्ट कांटेक्ट है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, लेकिन कैम एंड फॉलोअर में हमें जो मोशन मिलेगा वो मिलेगा बाय द डायरेक्ट कांटेक्ट। तो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट से मिल रहा है तो बीच की जो नंबर ऑफ लिंक है, मतलब इसको हमें कनेक्टिंग रॉड को हटाना पड़ेगा, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड को हटा रहे मतलब ऐसे ही बीच की जितनी भी लिंक होगी उनको हमको हटाना पड़ेगा कैम एंड फॉलोअर में। तो जब हम नंबर ऑफ लिंक्स को कम करते हैं तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, मैकेनिज्म का कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, वो कम होता जाता है। सिंपल सा फंडा है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लिंक्स होंगी हमारी मैकेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी, मतलब उस मैकेनिज्म को बनाना उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो आप बताओ आप क्या पसंद करोगे, एक डिफिकल्ट मोशन, एक डिफिकल्ट मैकेनिज्म जो आपको वही मोशन दे, या एक आसान मैकेनिज्म जो आपको वही मोशन दे आउटपुट पे? जाहिर सी बात है एक सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहां पर कैम एंड फॉलोअर यही काम करता है, क्या काम करता है, पढ़िए वापस से, पढ़िए इसके डेफिनेशन को वापस से, पढ़ते हैं इस लाइन को। कह रहा है एनी कॉम्प्लिकेटेड आउटपुट, देखिए कॉम्प्लिकेटेड आउटपुट का मतलब हुआ कि आउटपुट पर हमें जैसा भी मोशन चाहिए, ठीक है, आउटपुट में हमें जिस भी तरीके का मोशन चाहिए, दीज मोशंस विच आर अदरवाइज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस, मतलब जो किसी अदर मैकेनिज्म से बनाना जिनको बहुत ही डिफिकल्ट है, आउटपुट पे अगर हमें कोई मोशन चाहिए और उन मोशंस को किसी और मैकेनिज्म से पाना डिफिकल्ट है, ये नहीं बोलने असंभव है, मतलब पा ही नहीं सकते, डिफिकल्ट है क्योंकि वहां पर हमें ज्यादा नंबर ऑफ लिंक्स लगानी पड़ेगी, उनको हम क्या कर सकते हैं, उसी मोशन को हम बड़े आसानी से इजिली पा सकते हैं, उन मोशंस को हम बहुत ही इजिली पा सकते हैं। कहां पर पा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कैम्स, ठीक है, उन मोशंस को हम कैम एंड फॉलोवर की हेल्प से बहुत आसानी से पा सकते हैं, यही बोल रहा है ये, इस लाइन का यही मतलब है। पॉइंट क्लियर हुआ? क्योंकि कैम एंड फॉलोवर में हमें ज्यादा नंबर ऑफ लिंक्स की जरूरत नहीं पड़ती, ओनली थ्री लिंक्स, ओनली थ्री लिंक्स। अब आप कहोगे कि सर जब आप ग्रबलर्स क्राइटेरिया पढ़ा रहे थे तो आपने बोला था वहां मिनिमम चार लिंक होनी चाहिए, हाँ बोला था, लेकिन ग्रबलर्स क्राइटेरिया का दो एडम्पशन आप भूल गए, ग्रबलर्स क्राइटेरिया का आप दो एडम्पशन भूल गए। जब हम ग्रबलर्स क्राइटेरिया पढ़ रहे थे, देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, यहां पे लोग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए समझ लीजिए। जब हम ग्रबलर्स क्राइटेरिया पढ़ रहे थे, तो
तो उस ग्रबलर्स क्राइटेरिया में हमने बोला था कि फॉर अ वन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड हायर पेयर कितने होने चाहिए, जीरो, उसमें हायर पेयर नहीं होने चाहिए। तब के लिए हमने बोला था कि एल मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, उस समय के लिए एल मिनिमम की वैल्यू थी 4। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पे हमारे मैकेनिज्म में हायर पेयर है, इस कैम एंड फॉलोवर में हमारे पास हायर पेयर है, इसलिए ग्रबलर्स क्राइटेरिया वाली कंडीशन को यहां पर हम नहीं यूज कर सकते। क्लियर है पॉइंट? इसलिए हम तीन लिंक से यहां पर मैकेनिज्म बना रहे हैं, ठीक है। ये जो यहां पर हम मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं कैम एंड फॉलोअर से, वेयर वी विल यूज थ्री लिंक मैकेनिज्म, अभी आप देखोगे कैसे। पॉइंट क्लियर है? ठीक, इस चीज को मैं हटा दे रहा हूं। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। द मोशन इज ट्रांसमिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ कैम, ठीक है। वही बात है, मैंने बोला ना कैम हमारा क्या होगा, कैम हमारा होगा इनपुट, और अगर ये इनपुट होगा तो ये मोशन क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो मोशन ट्रांसमिटेड बाय कैम, ठीक है। द कैम एंड अ फॉलोअर हैव अ लाइन कॉन्टेक्ट एंड फॉर्म्स अ हायर पेयर, दिख गया आपको। कैम एंड फॉलोअर कैसा पेयर बनाएगा, हायर पेयर, मतलब यहां पर एक पॉइंट या लाइन कॉन्टेक्ट होगा, क्या होगा, लाइन कॉन्टेक्ट होगा, लाइन कॉन्टेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा यहां पर हायर पेयर बनेगा। कैम एंड फॉलोअर के बीच कैसा पेयर बनेगा, हायर पेयर, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कैम एंड फॉलोअर किस तरीके का पेयर बनाएंगे, कैम एंड फॉलोअर विल मेक हायर पेयर, ठीक है। कैम एंड फॉलोअर विल मेक हायर पेयर, सॉरी कैम एंड फॉलोअर विल मेक हायर पेयर, क्लियर पॉइंट। द कैम एंड फॉलोअर फॉर्म्स अ थ्री लिंकेज मैकेनिज्म। दूसरा आपको समझ में आ गया कि ग्रबलर्स क्राइटेरिया वाला रूल यहां पे क्यों नहीं लगा रहा, यहां पे थ्री लिंक मैकेनिज्म बनेगी, कि तीन लिंक से आपको मैकेनिज्म बनती हुई दिखाई देगी। तो कैम एंड फॉलोअर, सब दो क्वेश्चन यहां से बन गए हमारे, कैम एंड फॉलोअर कैसा पेयर बनाते हैं, हायर पेयर, एक क्वेश्चन तैयार हो गया। ये पूछ लिया जाता है कैम एंड फॉलोअर के बीच कैसा पेयर होता है, हायर पेयर, सरफेस कॉन्टेक्ट नहीं होता, यहां पर लाइन कॉन्टेक्ट होता है। तो जब भी लाइन कॉन्टेक्ट या पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है तो किस तरीके का पेयर बनता है, हायर पेयर। दूसरा, कैम एंड फॉलोअर किस तरीके का मैकेनिज्म है, थ्री लिंक मैकेनिज्म, थ्री लिंक मैकेनिज्म, कैसे देखते हैं हम आगे। क्लियर है, आगे बढ़े, देखिए कैम एंड फॉलोअर आ गया फिगर आपके सामने, द थ्री लिंक्स ऑफ द मैकेनिज्म। अब वो थ्री लिंक्स कौन कौन सी हैं, देख लीजिए। पहला तो कैम हो गया, ठीक है, हमारा कैम जो रोटेट करेगा, ये कैम। अगला फॉलोअर हो गया, और एक चीज आती है फ्रेम, जिसको हम बोलते हैं फ्रेम, विच इज यूज टू सपोर्ट एंड गाइड द फॉलोअर, दिस इज फ्रेम, जो क्या करता है, जो फॉलोअर को गाइड करता है। गाइड करने का सिंपल मतलब होता है जो डायरेक्शन बताए, जैसे ये गाइड करेगा फॉलोअर को, फॉलोअर को दाएं या बाएं जाने से रोकेगा, और इसको गाइड करेगा कि तुम्हारा मोशन सिर्फ ऊपर नीचे होना चाहिए, रेसिप्रोकेटिंग टाइप का। एक गाइड का काम या फ्रेम का काम ये होता है जो किसी को गाइड करे, मतलब अदर डायरेक्शंस में जाने से रोके। तो ये गाइड या फ्रेम क्या करेगा, इस फॉलोअर को दाएं या बाएं जाने से रोकेगा, इसके मोशन को गाइड करेगा कि सिर्फ ये ऊपर या नीचे की तरफ मोशन करे जब कैम रोटेट करेगा। क्लियर है पॉइंट? देखते हैं इसके तीन लिंकेज को, देखते हैं कौन कौन से तीन लिंक्स हैं। पहला है कैम, ठीक है। अब कैम क्या होता है, देखिए, विच इज द ड्राइविंग लिंक। मैंने बताया था कैम क्या होता है आपका, कैम होता है इनपुट, इनपुट पर हम मोशन देते हैं, मतलब कैम क्या करेगा, कैम रोटेट करेगा, चलाएगा, ठीक है। ये हो गया कैम, देखिए ये यहां पर कैम, दिस इज कैम, ये हो गया हमारा कैम।
तो ये कैम क्या कर रहा है, ये कैम रोटेट कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, कैम क्या कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहां पे जो नाइफ एज फॉलोवर है, ये नाइफ एज फॉलोवर इसको हम क्यों बोल रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा आगे, क्योंकि इसका जो एज है जो फॉलोवर के साथ जो कैम के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। अगर आप देखो तो यहां पे एक शार्प एज आपको दिखाई दे रही होगी, यहां पर आपको एक शार्प एज दिखाई दे रही होगी इस वाली जगह पे, देखिए ये इस जगह पर पॉइंट कॉन्टेक्ट दिखाई दे रहा है, एक शार्प एज दिखाई दे रही होगी। तो वो जो शार्प एज है, वो जो शार्प एज है इसी वजह से ये चाकू की तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे आपके पास नाइफ होता है इस तरीके का, तो यहां पर ये शार्प एज होता है, सेम शार्प एज आपको यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर। तो ये नाइफ एज फॉलोअर का एग्जांपल है, बाकी अभी हम टाइप देखेंगे फॉलोअर की, इसकी दिक्कत नहीं है, अभी आप बेसिक समझिए ये नाइफ एज फॉलोअर है, अभी हम टाइप आगे देखेंगे। ठीक, तो कैम क्या है, कैम मैंने आपको बताया क्या करेगा, विच इज द ड्राइविंग लिंक, क्या करेगा ये चलाएगा, ड्राइविंग लिंक है एंड हैज अ कर्व्ड और स्ट्रेट कॉन्टेक्ट सर्फेसेस। कभी कभी क्या होगा ये कर्व्ड, यहां पे आपको ये कर्व्ड सर्फेस दिखाई दे रहा है कैम का, ये कभी कभी ये कर्व्ड शेप का होगा और कभी कभी ये स्ट्रेट कर्व स्ट्रेट शेप का होगा, डिपेंड करेगा कि हमें किस तरीके का मोशन आउटपुट पे चाहिए, वो इस पे डिपेंड करेगा हमारी मैकेनिज्म पर। जनरली कैम रोटेट विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, ठीक है, जो कैम होता है इसको हम यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से रोटेट कराते हैं, ध्यान रखिएगा, जो कैम होता है इसको हम यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी स्पीड जो ओमेगा है वो लगातार बदल रही है, नहीं, दिस ओमेगा विल बी कॉन्स्टेंट, मतलब ये जो ओमेगा होगा, ओमेगा ऑफ कैम मतलब कैम जिस एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है वो क्या होती है, जनरली कॉन्स्टेंट ही होती है, यूनिफॉर्म होती है। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए कैम जब रोटेट करेगा तो कब ये वाली सरफेस उसके कांटेक्ट में आएगी, तो कैम ये फॉलोअर हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, फिर कैम जब नीचे की तरफ रोटेट करते करते इस तरीके से आएगा और इधर वाली सरफेस ये जब फॉलोअर के कांटेक्ट में आएगी तब क्या होगा, फॉलोअर नीचे आएगा, इस तरीके से ये लगातार घूम रहा है और इसके घूमने की वजह से और कर्वेचर में चेंज आने की वजह से हमारा फॉलोअर कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। क्लियर? तो इसके रोटरी मोशन से देखिए कैम का मोशन कैसा है, रोटरी, ठीक है, और फॉलोअर पे हमें कैसा मोशन मिल रहा है, फॉलोअर पे हमें कैसा मोशन मिल रहा है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप का, क्लियर है, फॉलोअर का मोशन हमें कैसा मिल रहा है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप का। और मैंने आपको बताया था कि कैम हमारा कैसा काम करता है, कैम वर्क्स एज अ इनपुट, और फॉलोअर कैसा होता है, फॉलोअर वर्क्स एज अ आउटपुट। तो देखिए इनपुट पर हमको रोटरी मोशन मिल रहा है, इनपुट का जो मोशन हुआ वो रोटरी हुआ और आउटपुट का जो मोशन हुआ, आउटपुट का मोशन हमें कैसा मिल रहा है, रेसिप्रोकेटिंग। तो यही मोशन तो हम सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म से भी तो पाते थे, लेकिन यहां पर हमने लिंक कम कर दी, वहां चार लिंक का यूज करते थे, यहां पे तीन से मिल रहा है, तो ये बहुत आसानी से मिल रहा है, रोटरी मोशन इनपुट पे आउटपुट पे रेसिप्रोकेटिंग। ठीक, यही हमको सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म से भी मिलता था, लेकिन यहां पर हम कैम एंड फॉलोअर की हेल्प से बहुत आसानी से निकाल पा रहे हैं और यहां पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से निकाल पा रहे हैं, यहां पर जो भी है दोनों का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है इस वाले पॉइंट पे। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? चलिए फॉलोअर क्या करता है, विच इज द ड्रिवन लिंक, मतलब जो चले, ड्रिवन का मतलब जो चलती है और ड्राइविंग का मतलब यहां पर जो ड्राइविंग लिंक है जो चलाती है, तो चलाने वाली लिंक कैम होगी, कैम चलाएगा, किसको चलाएगा, फॉलोअर को, तो फॉलोअर क्या हो जाएगा, फॉलोअर हो जाएगा हमारा ड्रिवन लिंक। ठीक है, एंड इट गेट्स मोशन, इसको मोशन मिलता कैसे है, मैंने बताया है कैसे,
इट गेट्स मोशन बाय द कॉन्टेक्ट। देखिए यहां पे क्या कैम एंड फॉलोअर का कॉन्टेक्ट है, बिल्कुल है ठीक। तो इट गेट्स मोशन बाय कॉन्टेक्ट विद द सर्फेस विद द कैम। तो ये क्या करेगा, कैम की इस सर्फेस के साथ कॉन्टेक्ट में होता है और कॉन्टेक्ट में होने की वजह से इसको क्या मिलता है, इसको मोशन मिलता है। तीसरा है, अगला पार्ट क्या है, फ्रेम। फ्रेम क्या करता है, विच इज यूज टू सपोर्ट द कैम एंड गाइड द फॉलोअर। क्या करता है फ्रेम, ये जो फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, दिस फ्रेम, फ्रेम क्या करेगा, विच इज यूज टू सपोर्ट द कैम, कैम को सपोर्ट करता है एंड गाइड द फॉलोअर, एंड क्या करेगा, इस फॉलोअर को गाइड करेगा कि तुम्हारा मोशन ऊपर और नीचे ही होना चाहिए, दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। यही होता है फ्रेम या गाइड का काम। क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको कैम, फॉलोअर और फ्रेम, ये तीन लिंक मैकेनिज्म आपको ये समझ में आ गई होगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, बताइए, नॉर्मली कैम मूव्स विद, अभी अभी आपको बताया था, नॉर्मली कैम मूव्स विद, कैम कैसे मूव करते हैं, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल वेलोसिटी, नन ऑफ दीज। कैसे, कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मैंने बताई थी आपको, यहां पे देखिए, कैम रोटेट्स विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है, वो एंगुलर वेलोसिटी है, बाय डिफॉल्ट एंगुलर वेलोसिटी ही माना गया है। यूजेस ऑफ कैम मैकेनिज्म, कैम मैकेनिज्म को हम कहां कहां पर यूज करते हैं, ठीक है, कैम मैकेनिज्म को हम कहां कहां पर यूज करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल आईसी इंजन फॉर ऑपरेटिंग वॉल्व्स, ठीक है, जो आपके सक्शन और एग्जॉस्ट वॉल्व्स होते हैं, इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व्स जो लगे होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व होते हैं, ठीक है, ये जो वॉल्व मैकेनिज्म यूज करते हैं, ये वॉल्व मैकेनिज्म किस पर काम करती है, ये कैम्स एंड फॉलोअर्स पर काम करती है, मतलब ये कनेक्टेड होती है उधर कैम एंड फॉलोअर से। कैम मूव कर रहा होता है जिसकी वजह से कभी ये ऊपर आता है, मतलब इसका मोशन क्या होगा, इस वॉल्व की पोजीशन देखिए आप, वॉल्व वैसे है, कभी ये वॉल्व ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो देखिए यहां पर ये इसको क्लोज कर देगा, और जब नीचे आएगा तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा तो सक्शन होगा। ऐसे ही एग्जॉस्ट वॉल्व को देखिए, ये जो हमारा यहां पर एग्जॉस्ट वॉल्व होता है, एग्जॉस्ट वॉल्व को देखिए, कभी क्या होगा, एग्जॉस्ट वॉल्व नीचे आएगा कभी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज हो जाएगा, और जब ये वॉल्व नीचे की तरफ आएगा तो हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो जाएगा। तो ये जो आईसी इंजन में हम वॉल्व मैकेनिक्स का यूज करते हैं, ऑपरेटिंग वॉल्व्स, इसमें किसका यूज करते हैं, कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म का। क्लियर पॉइंट, आईसी इंजन में पूछा जाता है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इस मैकेनिज्म का यूज कहां करते हैं, इस मैकेनिज्म का यूज कहां करते हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, ठीक। क्लॉक्स में यूज करते हैं, क्लॉक्स में जो आपकी मशीन मूव करती है, प्रिंटिंग मशीन्स में यूज करते हैं फॉर द क्लोजिंग एंड ओपनिंग द वॉल्व्स, प्रिंटिंग मशीन्स में यूज करते हैं, ऑटोमेटिक स्क्रू कटिंग मशीन्स में यूज करते हैं, शू मेकिंग मशीनरी में यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, आप एक बार इनको ऐसे देख लीजिएगा, क्योंकि अब हर एक एग्जांपल के डेप्थ में जाके मैं समझाऊं ये इतना
इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। आप देख लीजिए, इनको समझ लीजिए ठीक, किस तरीके से काम करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां पे आपको बस एग्जांपल्स देखने हैं कि क्लॉक्स में, प्रिंटिंग मशीन्स में, आइस इंजन में, मैंने आपको बता ही दिया बाई फिगर। तो ऐसे अब हर एक फिगर को समझाना मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप खुद से देख सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कैम, कैसे बनाए जाते हैं कैम, देखिए। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स शेप, अब इनका जो शेप होता है सर्कल तो होता नहीं है, थोड़ा ऑबलाइट टाइप का होता है, मतलब थोड़ा ओवल टाइप का होता है, जैसे अंडे की शेप होती है। ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स शेप आ कैम इज डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, स्पेशली व्हेन इट इज टू बी प्रोड्यूस्ड इन द स्मॉल क्वांटिटीज। व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन मास स्केल इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पंच प्रेस, डाई कास्टिंग एंड मिलिंग फ्रॉम द मास्टर कैम एटसेट्रा, ठीक है। कैसे बनाई जाती है कैम, को कैसे बनाया जाता है कैम, को कैसे बनाया जाता है, पहला तो हो गया पंच प्रेस, दूसरा हो गया डाई कास्टिंग, और तीसरा हो गया मिलिंग फ्रॉम द मास्टर कैम। यह मिलिंग फ्रॉम द मास्टर कैम क्या है, मतलब हमने एक मिलिंग मशीन ऐसे तैयार की है विच इज द शेप ऑफ द कैम, जिससे आपने मास्टर की सुना हुआ है, जिससे हर एक ताला खुल जाता है, मास्टर की। वैसे ही मास्टर कैम मतलब हमने एक मिलिंग कटर ऐसा बना रखा है विच इज इन द शेप ऑफ कैम। तो जहां पर भी हमको कैम की शेप बनानी होती है उसको उसके साथ मिलिंग कटर पे हम लगा देते हैं और वो घूमते रहते हैं, घूमते 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 आपस में, वो जो हमारे पास जिसको हमको बनाना होता है, मतलब हमारे पास जो मटेरियल होता है, धीरे धीरे उस मास्टर कैम के साथ किसका शेप लेने लगता है, कैम का, ठीक है। तो मिलिंग फ्रॉम द मास्टर कैम, पंच प्रेस पंचिंग प्रेस से बनाते हैं, दूसरा डाई कास्टिंग कास्टिंग मेथड से बनाते हैं, मतलब जो भी शेप हमको चाहिए वो शेप डाई कास्टिंग में रख के उसके बाद उसका सॉलिडिफिकेशन करके फिर थोड़ा मशीनिंग करके ये सारे प्रोसेसेस करने के बाद क्या करते हैं, हम इस कैम को बना लेते हैं। तो कैम को बनाने का तरीका क्या है, पंच प्रेस, डाई कास्टिंग एंड मिलिंग फ्रॉम द मास्टर कैम। क्लियर, ठीक है। अभी ये सारी जो चीजें चल रही हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक बेसिक आइडिया देना है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, दो ही टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैम टर्मिनोलॉजी, जो कैम प्रोफाइल की टर्मिनोलॉजी है, मतलब बेस सर्कल क्या होता है, प्राइम सर्कल क्या होता है, पिच पॉइंट क्या होता है, प्रेशर एंगल क्या होता है, प्राइम सर्कल क्या होता है, ट्रेस पॉइंट क्या होता है, उसके बाद कर्व्स, मतलब जो हमारे तीन मोशन इसमें बेसिकली हमको पढ़ने हैं, एक चौथा अलग से आता है साइक्लॉइडल, ठीक है। तो हाई स्पीड पे कौन सा कैम प्रोफाइल यूज करेंगे, लो स्पीड के लिए कौन सा यूज करेंगे, ये सारा। तो दो ही टॉपिक मेनली इंपॉर्टेंट है, बाकी इनके टाइप्स हैं कि कैम कैसे दिखता है, किस किस टाइप का होता है, फॉलोवर कितने टाइप का होता है, ठीक। तो ये सारी चीजें उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा कैम टर्मिनोलॉजी एंड द कर्व्स, मतलब जो हमारे मोशंस हैं, SHM, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन या डीएक्सेलरेशन। चौथा एक अलग से आता है साइक्लॉइडल, कभी कभार वो भी पूछ लिया जाता है। तो यही दो टॉपिक, एक कैम टर्मिनोलॉजी और दूसरा जो हमारे मोशंस हैं फॉलोअर के, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब ऐसा नहीं कि इनको मैं छोड़ रहा हूं, मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता चल रहा हूं, ठीक, जो आपको समझना है कि हाँ कैम इस तरीके का होता है, इस तरीके का भी होता है, आपको टाइप देखना है सिंपल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ कैम्स में देखिए, हमारे जो कैम के टाइप होंगे वो किस किस तरीके के होते हैं, देखिए, अकॉर्डिंग टू द शेप, मतलब शेप के बेसिस पे, फिर मैनर ऑफ कंस्ट्रेंट के बेसिस पे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फॉलोअर मूवमेंट, कि फॉलोअर मूवमेंट कैसा हो रहा है उसके बेसिस पे भी हम कैम के टाइप्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप में, ठीक है, ये पूरे टाइप्स लिखी हुई है, हम आगे देखते हैं, बकायदा फिगर प्लस देखेंगे क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीजें, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, कैम वाले चैप्टर में कैम टर्मिनोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ड्यूरिंग द ड्वेल पीरियड ऑफ द कैम द फॉलोअर्स, अब देखिए जो यहां पर ड्वेल आ रहा है, ड्वेल
ठीक है, दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू द टाइप में, राइज रिटर्न राइज ड्वेल राइज रिटर्न ड्वेल ड्वेल राइज ड्वेल रिटर्न। अब इसमें होता क्या, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए ये मैंने एक रफली क्या किया है, कैम के शेप को बनाया, ठीक है। यहां पे कैम का कैम शाफ्ट सेंटर हो गया जिसके अबाउट कैम रोटेट कर रहा है, लेट से कैम रोटेट कर रहा है, और यहां पर हमने लगा रखा है फॉलोअर। अभी मैं नाइफ एज फॉलोअर बनाता हूं, यहां पर हमने गाइड्स लगा दिया और यहां पर स्प्रिंग है, ये हमारा हो गया फॉलोअर। अब देखिए क्या होगा कि कुछ मोशंस ऐसे होंगे, मतलब जब कैम हमारा ओमेगा एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो इसके बेसिस पे हमें फॉलोअर का ऊपर नीचे मूवमेंट मिलेगा। मतलब फॉलोअर, ये जो हमारा फॉलोअर है तो ये फॉलोअर और ये हो गया कैम। तो फॉलोअर क्या करेगा, कैम जब रोटेट करेगा तो फॉलोअर कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो जब फॉलोअर हमारा ऊपर की तरफ मूव करता है उसको बोलते हैं राइज पीरियड। राइज मतलब क्या होता है, उठना। तो जब फॉलोअर हमारा उठ रहा होगा ऊपर जा रहा होगा उसको हम बोलेंगे राइज, ठीक है। और जब फॉलोअर हमारा नीचे की तरफ आएगा उसको हम बोलेंगे रिटर्न। जब फॉलोअर हमारा नीचे आ रहा होगा उसको हम बोलेंगे रिटर्न। रिटर्न मतलब वापस आना। तो जब फॉलोअर वापस नीचे की तरफ आएगा उसको बोलेंगे हम रिटर्न। तो फॉलोअर कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, तो ऊपर जाने को हमने बोल दिया क्या राइज, नीचे आने को रिटर्न। और कभी कभी ऐसा होगा कि इस सरफेस पर कर्वेचर कैम का बिल्कुल एक तरीके का होगा। जैसे आप देखो यहां से यहां तक का कर्वेचर क्या है, बिल्कुल सेम है, मतलब जो कर्व है वो बहुत कम है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई देगा। तो उस पीरियड में कभी कभी ऐसा होगा कि कैम तो लगातार रोटेट कर रहा होगा लेकिन फॉलोअर रिमेन्स एट द रेस्ट, अपनी ही पोजिशन पे होगा, ना तो वो ऊपर जा रहा होगा ना ही नीचे जा रहा होगा। दैट विल बी फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड। वो जो फॉलोअर अपनी ही पोजीशन पे रहेगा ये बहुत छोटे समय के लिए होगा। इट विल डिपेंड ऑन द कर्व ऑफ द कैम, कि कैम का कर्वेचर कैसा है। तो कभी कभी कैम का कर्वेचर हमें ऐसे देखने को मिलेगा, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। तो देखिए इस वाले पीरियड में क्या होगा, जब फॉलोअर हमारा इस वाले स्ट्रेट लाइन, लगभग ये चीज आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, इसके कांटेक्ट में होगा। यहां पे हमारा कैम मान लीजिए रोटेट कर रहा है इस तरीके से, तो जब फॉलोअर हमारा इतने के कांटेक्ट में होगा, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, तो यहां पे देखिए फॉलोअर अपनी ही पोजीशन पे होगा बिकॉज यहां पे जो कर्वेचर है बहुत कम है, तो फॉलोअर अपनी ही पोजीशन पे होगा। तो वो पोजीशन जहां पे फॉलोअर अपनी ही पोजीशन पर रेस्ट में होता है, ना ही ऊपर जा रहा होता ना ही नीचे, तो उसको हम बोलते हैं ड्वेल पीरियड, ठीक है। उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है ड्वेल। ये बात समझ में आ गई सबको। तो राइज मतलब ऊपर जाना, रिटर्न मतलब फॉलोअर का नीचे आना, राइज मतलब फॉलोअर का ऊपर जाना, और ड्वेल मतलब जहां पर फॉलोअर अपनी पोजीशन पर रेस्ट पर रहे, ना ही ऊपर जाए ना ही नीचे आए। क्लियर पॉइंट? तो ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ड्वेल पीरियड। समझ में आ गया ड्वेल पीरियड का मतलब, ऑफ द कैम द फॉलोअर, फॉलोअर क्या रहता है, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, नहीं भाई मूव तो नहीं करता, मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, नहीं, डज सिंपल हार्मोनिक मोशन, नहीं, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी मतलब होता है ऊपर नीचे मूव करना। तो क्या रहता है, रिमेन्स एट रेस्ट, अपनी पोजिशन पे रहता है, ना ही ऊपर जा रहा होता है ना ही नीचे आ रहा होता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक, चलिए अकॉर्डिंग टू द शेप में हम पढ़ रहे थे, ये देखिए अकॉर्डिंग टू द शेप में हम ये वेज एंड फ्लैट कैम पढ़ते हैं। ये वेज, वेज आपने देखा होगा, वेज कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, लकड़ी का गुटका कभी आपने देखा है, बिल्कुल उस तरीके का, ये होता है वेज शेप, इसको हम बोलते हैं वेज शेप। तो जब कैम हमारा इस तरीके का होगा, वेज शेप का, तो देखिए अ वेज कैम हैज अ ट्रांसलेटेड मोशन। देखिए इसको क्या आप रोटेट करा पाओगे, अगर ये कैम हुआ तो क्या इस कैम को आप रोटेट करा पाओगे, नहीं, इस कैम को तो यार हम ट्रांसलेट करा पाएंगे कभी आगे कभी पीछे, ठीक। तो जो मैं बोल रहा था कि कैम का मोशन कभी रोटेरी होगा कभी रेसिप्रोकेटिंग होगा, ये आपको समझ में आया, इट विल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कैम।
मोशन किस पे डिपेंड कर रहा है, शेप पर, कि उस कैम का शेप कैसा है। तो अगर हमने वेज टाइप का कैम लिया हुआ है, वेज शेप का कैम लिया हुआ है, तो यहां पे जो इसका मोशन पॉसिबल है वो कैसा पॉसिबल है, ट्रांसलेटरी। ठीक है, कैसा मोशन पॉसिबल है, ट्रांसलेटरी। तो यहां ट्रांसलेशन मोशन एंड द फॉलोअर कैन आइदर ट्रांसलेट और ऑक्सिलेट, और उसके बदले में हमें फॉलोअर का, फॉलोअर मतलब जो हमें आउटपुट पे मोशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो ट्रांसलेटिंग भी हो सकता है या ऑक्सिलेटिंग भी हो सकता है। क्लियर पॉइंट, ट्रांसलेटिंग भी हो सकता है या ऑक्सिलेट कर सकता है, मतलब कुछ इस तरीके, ऑक्सिलेटिंग मोशन ये हो गया, ट्रांसलेटिंग आगे पीछे जाना। बात समझ में आ रही है, ट्रांसलेटिंग का मतलब किसी लाइन पर आगे जाना या पीछे आना, और ऑक्सिलेटिंग का मतलब जब वो किसी एंगल में कवर करे, इस तरीके से आगे पीछे तो जाए लेकिन किसी एंगल में कवर करे। बात समझ में आ रही है, देखिए वेज कैम, तो ये है वेज कैम का एग्जांपल। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये है हमारा कैम, तो कैम कभी आगे जा रहा है कभी पीछे आ रहा है, मतलब ये क्या, कैसा मोशन कर रहा है कैम, ट्रांसलेटिंग मोशन कर रहा है, एक कभी आगे जा रहा है कभी पीछे आ रहा है, ट्रांसलेटिंग मोशन कर रहा है। तो देखिए ये वाली जो सरफेस है, जो आपको एक इंक्लाइंड सरफेस दिखाई दे रही है, ये जो इंक्लाइंड सरफेस दिखाई दे रही है, तो कभी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखिएगा, इसका टिप वाला पॉइंट, तो ये कभी टिप वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या होगा, कभी यहां पर पहुंचेगा कभी यहां पर पहुंचेगा, कभी यहां पहुंचेगा कभी यहां पहुंचेगा। तो जब ये टिप वाला पॉइंट नीचे जाएगा तो फॉलोअर नीचे आ रहा होगा, और जब ये टिप वाला पॉइंट इस वेज कैम पर ऊपर पहुंच जाएगा तो उस वक्त फॉलोअर कहां पहुंच चुका होगा, सबसे ऊपर पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहां पर इसके आगे या पीछे जाने की वजह से हमारा फॉलोअर कैसा मोशन कर रहा है, ऊपर या नीचे का मोशन कर रहा है। क्लियर है, तो कैम के ट्रांसलेटिंग मोशन से हमारा फॉलोअर यहां कैसा मोशन कर रहा है, हमारा फॉलोअर यहां पे ट्रांसलेटिंग मोशन कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। अब यहां ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमने देखिए जो यहां पे रोलर यूज कर रखा है, यहां पे नाइफ एज फॉलोअर है, जब आपको इस तरीके का शेप दिखाई दे ऐसे, तो जहां पे आपको शार्प एज दिखाई दे उस तरीके के फॉलोअर को हम बोलते हैं नाइफ एज फॉलोअर। ठीक है, नाइफ एज फॉलोअर, जब भी आपको इस तरीके का शार्प एज दिखाई दे, शार्प एज इस तरीके का, जहां पर आपको एक पॉइंट इस तरीके का शार्प एज दिखाई दे उसको हम क्या बोलेंगे, नाइफ एज फॉलोअर। तो देखिए यहां पर हमने नाइफ एज फॉलोअर को हटा के यहां पे रोलर लगा दिया, अब क्या होगा, जब वापस से इस कैम का हम जब ट्रांसलेटिंग मोशन कराएंगे, मतलब आगे पीछे मोशन कराएंगे, तो देखिए इस बार ये रोल करेगा इस सरफेस पर, इस कर्वेचर पर हमारा फॉलोअर रोल करेगा, तो ये रोलर क्या करेगा, रोल करेगा, जिसकी वजह से हमारा ये जो फॉलोअर है कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। और यहां पे हमने स्प्रिंग लगा रखी है, स्प्रिंग लगा रखी है, तो आप इस वाले पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को जो यहां पर हमारा फॉलोअर है, ये जिसको मैं रेड लाइन से मार्क कर रहा हूं, तो इसका मोशन कैसा होगा, यहां पर ऑक्सिलेटिंग टाइप का होगा, दिखाई दे रहा है, तो यहां पर ये ऑक्सिलेट करेगा, स्प्रिंग लगी है, कभी ये ऐसे जाएगा कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा कभी ऐसे जाएगा, देखिए दिखाई दे रहा है ये मोशन, कभी ऐसे जाएगा कभी ऐसे जाएगा कभी ऐसे कभी, तो ये ऑक्सिलेटिंग मोशन हो गया, और यहां पर ऊपर नीचे जाना ये कैसा मोशन हो गया, ये ट्रांसलेटिंग मोशन हो गया। क्लियर है पॉइंट, तो मैं जो आपको बता रहा था कि फॉलोअर का मोशन ट्रांसलेटिंग हो सकता है, यहां देखिए फॉलोअर का मोशन ट्रांसलेटिंग भी हो सकता है या ऑक्सिलेटिंग भी हो सकता है, ये डिपेंड कर रहा है उसके शेप पर, कि उसके आकार को, शेप को हमने कैसा बनाया हुआ है। क्लियर पॉइंट, तो यहां पर हमें फॉलोअर का, यहां पर जो फॉलोअर का मोशन मिलेगा, यहां पर फॉलोअर का मोशन हमें कैसा मिलेगा, यहां पर ट्रांसलेटिंग मिलेगा, और यहां पर फॉलोअर का मोशन कैसा मिलेगा, इस वाले फिगर में यहां पर जो फॉलोअर का मोशन मिलेगा वो ऑक्सीलेटिंग टाइप का मिलेगा। क्लियर, इस वाले में देखिए, इस वाले में भी कैसा, ट्रांसलेटिंग टाइप का मिलेगा, जब वेज इस कैम को आप
ट्रांसलेट करोगे आगे पीछे, तो कभी ये पॉइंट सबसे ऊपर पहुंचेगा, कभी ये वाला पॉइंट सबसे नीचे होगा। ऊपर नीचे फॉलोअर का मोशन कैसा हो गया, ऊपर नीचे, और जिसकी वजह से यहां पे जो पीस मिलेगा उसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता रहेगा। क्लियर? तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि कैम का जब भी हम मोशन कराएंगे ट्रांसलेटिंग मोशन, तो फॉलोअर का हमें ट्रांसलेटिंग मोशन भी मिल सकता है या ऑक्सीलेटिंग मोशन भी मिल सकता है। क्लियर? इन अ कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म, कैम इज, कैम क्या होता है, कैम तो हमने पढ़ा था ना, ड्राइविंग लिंक, जो चलाता है, किसको चलाता है, फॉलोअर को। फॉलोअर कैसे लिंक होता है, ड्रिवन लिंक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ड्राइवर। क्लियर? रेडियल और डिस्क कैम, मतलब अब जो कैम की शेप होगी वो कैसी होगी, डिस्क टाइप की होगी या रेडियल टाइप की होगी। ठीक है, देखिए, अ कैम इन विच द फॉलोअर मूव्स रेडियली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेशन ऑफ द कैम इज नोन एज रेडियल और द डिस्क कैम। क्या कह रहा है, एक ऐसा कैम इन विच, जिसमें द फॉलोअर मूव्स रेडियली, मतलब जो फॉलोअर मूव करेगा वो कैम के रेडियल डायरेक्शन में मूव करेगा। फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम, द लाइन ऑफ मूवमेंट ऑफ द फॉलोअर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द कैम। कह रहा है जो लाइन ऑफ एक्शन होगी फॉलोअर की, जो फॉलोअर ऊपर नीचे जा रहा होगा वो वाली लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास करेगी, कैम के सेंटर ऑफ रोटेशन से, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट कैम हमारा रोटेट कर रहा है, जो सेंटर ऑफ रोटेशन है कैम का, फॉलोअर की लाइन ऑफ एक्शन उस कैम के सेंटर से पास हो रही होगी। क्लियर? जनरली इट इज यूज फॉर मोशन ट्रांसमिशन ड्यू टू इजी डिजाइन। ये सबसे इजी, मतलब अगर कैम एंड प्रोफाइल में भी बात की जाए, वैसे तो कैम एंड फॉलोअर इजी डिजाइन में आते हैं, ये उनमें भी सबसे ज्यादा आसान है। डिस्क टाइप या रेडियल टाइप कैसे दिखता है, देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये है डिस्क टाइप या रेडियल टाइप। इसमें क्या है, इसमें देखिएगा, जो ये कैम हो गया, कैम कैम दिखाई दे रहा है, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये हो गया सेंटर ऑफ रोटेशन। ये हो गया सेंटर ऑफ रोटेशन। क्लियर? अब इसके अबाउट हमारा कैम क्या करेगा, कैम हमारा रोटेट करेगा। चलिए रोटेट करा दिया, कैम को हमने रोटेट करा दिया, तो कैम के रोटेट करने से फॉलोअर हमारा ऊपर नीचे जाएगा, बिल्कुल ऊपर नीचे जाएगा। तो देखिए फॉलोअर के ऊपर या नीचे जाने की जो लाइन ऑफ एक्शन है, वो लाइन ऑफ एक्शन कौन सी है, ये वाली जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं। ठीक है, तो आप देखो जो ये रेड कलर की लाइन है कहां से पास कर रही है, पास कर रही है इसके सेंटर ऑफ रोटेशन से, तो यही तो लिखा हुआ था वहां पर। दूसरा, इसका अगर आप शेप देखोगे कैम का, तो कैम की शेप आपको कैसी दिखाई दे रही है, कैम की शेप मुझे दिखाई दे रही है डिस्क टाइप की, थोड़ा आपको ये डिस्क टाइप की नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, और जो फॉलोअर का मोशन है इसके कैम के रेडियल डायरेक्शन में है। रेडियल होने का मतलब, जैसे किसी भी चीज को हम रेडियल कैसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, उस सर्कल का कोई मेरे पास सेंटर है, ठीक है, उस सेंटर के रेडियस डायरेक्शन में अगर कोई लाइन बाहर की तरफ जाए, ये लाइन, तो इस वाली लाइन को मैं क्या बोलूंगा, इस वाली लाइन को मैं रेडियल डायरेक्शन बोलूंगा, इस वाली लाइन को मैं रेडियल डायरेक्शन बोलूंगा, क्योंकि ये रेडियस के अलोंग है। ठीक है, तो इन द सेम मैनर इसको अगर आप देखो, ये जो फॉलोअर का मोशन है ये कैसे जा रहा है, इसके सेंटर ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में जा रहा है, जो लाइन ऑफ स्ट्रोक है इसके सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, और उसका शेप कैसा है, शेप है किसकी तरीके से, डिस्क की तरीके से, इसलिए यहां पर हम इस कैम को बोलेंगे कैसा, रेडियल और डिस्क तरीके का कैम। क्लियर? दूसरा देखिए, यहां पे फिगर चेंज कर दिया गया है, प्रोसेस वही है। यहां पे क्या है, कैम है, और कैम का सेंटर देखिए बीचों बीच नहीं है, थोड़ी सी एसेंट्रिसिटी है, मतलब सेंटर यहां होना चाहिए था, इस रेड वाले पॉइंट पे इसका सेंटर, कैम का सेंटर होना चाहिए था,
लेकिन कैम का सेंटर कहां बना दिया है, यहां पर बना दिया है, तो यहां पे क्या आ गई, थोड़ी सी एसेंट्रिसिटी आ गई, जो भी चेंज हुआ उसको हमने ई नाम दे दिया, एसेंट्रिसिटी को ई नाम दे दिया। तो जब ये कैम रोटेट करेगा तो कैम के रोटेट करने की वजह से ये फॉलोअर कभी हमारा ऊपर की तरफ जाएगा और कभी हमारा फॉलोअर नीचे की तरीके से, ठीक है। और इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन पास कर रही है, देखिए कैम की जो लाइन ऑफ एक्शन पास कर रही है कहां से पास कर रही है, वो पास कर रही है इस कैम के सेंटर ऑफ रोटेशन से। और यहां पर कैम का शेप भी कैसा है, कैम का शेप है थोड़ा डिस्क टाइप का, देखिए जो डिस्क होती है उस तरीके का शेप दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रेडियल और द डिस्क कैम। क्लियर है पॉइंट। द लेटरल टेपर इन द कैम प्रोफाइल्स इज प्रोवाइडेड, कह रहा है जो लेटरल टेपर नहीं होता कैम में, मतलब कुछ इस तरीके का, कभी कभार ये तो बिल्कुल सर्किल हो गया, लेकिन हम कैम को सर्किल शेप का नहीं बनाते, कुछ इस तरीके का बनाते हैं ऐसा थोड़ा, ये जो आपको टेपर नहीं दिखाई दे रहा है लेटरल टेपर, जो सरफेस कर्वेचर इसका चेंज कर रहा है, थोड़ा टेपर साइज का बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बताइए, बताइए। द लेटरल टेपर इन द प्रोफाइल इज प्रोवाइडेड, ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है, आप ये क्वेश्चन में आपके लिए HW लिखता हूं होमवर्क, आप इसको अटेम्प्ट करिएगा अपने आप से, ठीक है। अगर नहीं होता है तो बाद में LDRC में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। ये चीज आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व करिएगा, सोचिएगा क्यों होता है। आगे बढ़ते हैं हम, स्पाइरल कैम, देखिए अब यहां पर जो कैम की शेप है किस तरीके की है, कैम होगा हमारा स्पाइरल कैम। ये सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम छोड़ भी तो नहीं सकते कि मैं बिल्कुल ही कट करा दूं, बस हमें देखना है, जानना है कैम किस तरीके का होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कैम दिखते कैसे हैं। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर दिस चैप्टर इज कैम टर्मिनोलॉजी, ठीक है। जब उस पर आएंगे तो हम अच्छे से पढ़ेंगे उसको। इसको देख लेते हैं क्या है स्पाइरल कैम। अ स्पाइरल कैम इज अ फेस कैम इन विच अ ग्रूव इज कट, मतलब अब इस डिस्क के अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक ग्रूव को कट कर दिया है। ग्रूव मतलब एक कट पोर्शन कर दिया है उस डिस्क के अंदर, ठीक है, जिसमें ये वाला जो हमारा पार्ट है ये, ये इस स्पाइरल ग्रूव में मूव करेगा। अ स्पाइरल कैम इज अ फेस कैम इन विच अ ग्रूव इज कट इन द शेप ऑफ स्पाइरल। हमने क्या किया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्पाइरल के शेप में हमने एक ग्रूव कट किया हुआ है, स्पाइरल के शेप में हमने एक ग्रूव कट किया हुआ है। और जब कैम रोटेट करता है, क्या करता है, कैम रोटेट करता है तो ये जो हमारा फॉलोअर है ये वाला पार्ट, ये इसी में मूव करता है, इसी ग्रूव में मूव करता है। इसका एक एंडिंग पीस, मतलब जो फॉलोअर का एक एंडिंग पीस है, इस ग्रूव में फिट कर दिया जाता है। जब इसको हम रोटेट कराते हैं तो ये इसी ग्रूव में रोटेट करता है, तो ग्रूव में रोटेट करेगा, जब ये वाला पार्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा तो हमारा ये वाला पार्ट फॉलोअर का किधर जाएगा, नीचे की तरफ, और जब ये वाला पार्ट इस ग्रूव में ऊपर की तरफ आएगा वापस तो ये फॉलोअर किधर जाएगा, ऊपर। इस तरीके से यहां पर इस फॉलोअर का हमें ट्रांसलेटिंग मोशन मिलेगा। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल है। डिस्क कैम में हमने क्या पढ़ा, जहां पर फॉलोअर जो कैम है डिस्क टाइप में, जो कैम है उसका शेप कैसा होगा, कैम का शेप डिस्क टाइप का होगा, थोड़ा डिस्क के तरीके का दिखेगा। दूसरा, जो फॉलोअर की लाइन ऑफ एक्शन थी कहां से पास कर रही थी, उस फॉलोअर की लाइन ऑफ एक्शन इस कैम के सेंटर ऑफ रोटेशन से पास कर रही थी। स्पाइरल कैम में क्या होगा, स्पाइरल में हम एक ग्रूव कट कर देंगे स्पाइरल शेप का, ठीक है। कैम में एक हम स्पाइरल शेप का ग्रूव कट कर देंगे और उसी में फॉलोअर को मूव कराएंगे, तो फॉलोअर क्या करेगा, हमारा ऊपर नीचे मूव करेगा, ठीक। फॉलोअर का एक एंड इसमें फिक्स है, जब वो इस स्पाइरल ग्रूव में मूव करेगा तो फॉलोअर कभी हमारा नीचे आएगा कभी ऊपर जाएगा। क्लियर, कहां यूज करते हैं इसको, यूज करते हैं हम कंप्यूटर। सिलेंड्रिकल कैम और द बैरल और ड्रम कैम, ठीक है। अब अच्छा, नाम सोच के बताइए, नाम बता रहे सिलेंड्रिकल कैम और बैरल कैम। बैरल जैसे आते हैं ना, ये तेल के बैरल्स आते हैं, सिलेंडर टाइप के होते हैं, ठीक है। और ड्रम, ड्रम भी हमारे कैसे होते हैं, सिलेंडर टाइप के होते हैं। तो सबका शेप लगभग सेम होता है, ड्रम चाहे ले लीजिए आप,
चाहे बैरल ले लीजिए, सॉरी चाहे आप बैरल ले लीजिए और चाहे आप सिलिंड्रिकल ले लीजिए, इन सबका जो शेप होता है लगभग सेम होता है, इसलिए इनको सिलेंड्रिकल कैम की कैटेगरी में एक साथ डाल दिया गया है। चाहे आप बैरल बोलो या ड्रम बोलो या सिलेंड्रिकल बोलो, तीनों लगभग एक तरीके के होते हैं। क्लियर? तो पहले मैं आपको इसका फिगर ही दिखा देता हूं। ये सिलेंड्रिकल कैम और बैरल कैम और ड्रम कैम कैसा शेप का होगा, देखिए ये आपको सिलेंडर टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक? अब इसमें जो ग्रूव कटा हुआ है, अगर इस ग्रूव को कट ना किया गया होता तो क्या आपको ये बिल्कुल एक एक सिलेंडर टाइप का दिखाई दे रहा होता ऐसे? क्या आपको पूरा ये एक सिलेंडर टाइप का दिखाई दे रहा होता? हाँ या ना? बिल्कुल दिखाई दे रहा होता। इसलिए इसके शेप को क्या बोला गया है, इस कैम को क्या बोला गया है, सिलेंड्रिकल कैम और द बैरल कैम और द ड्रम कैम। क्लियर पॉइंट? चलिए अब यहां पे बात आती है दूसरी की, ये मूव कैसे करेगा। अब ये मूव कैसे करेगा तो इसको देख लीजिए, अब ये मूव कैसे करेगा। देखिए इस सिलेंड्रिकल कैम में हमने क्या किया है, एक ग्रूव कट कर दिया है, ठीक है, कर्वेचर टाइप में इसके सर्कमफेरेंस पर, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, मतलब आप कोई ड्रम मान लो या सिलेंडर मान लो, उसकी आउटर पेरिफेरी पर हमने क्या किया है, एक ग्रूव कट कर दिया, स्लॉट कट कर दिया। उस स्लॉट में फॉलोवर का एक एंड हमने फिट कर दिया है और दूसरे एंड को कहीं पर हमने पिन ज्वाइंट कर रखा है या हिंज कर रखा है, मतलब उसके अबाउट कोई फॉलोअर हमारा ऑक्सीलेट कर सकता है लेकिन उस पॉइंट को छोड़कर जा नहीं सकता। मतलब कहने का यह है कि लेट्स से यहां पर हमने इस फॉलोअर के इस ऊपर वाले एंड को यहां पर पिन ज्वाइंट कर दिया। पिन ज्वाइंट करने का मतलब हमारा फॉलोअर सिर्फ इस तरीके से ऑक्सीलेट कर सकता है या आगे पीछे ऑक्सीलेट कर सकता है, इस पॉइंट को कभी छोड़कर जा नहीं सकता ऊपर नीचे, मतलब इसका मोशन ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ऐसे ऑक्सीलेट कर सकता है बस, जैसे झूला होता है, झूला उस तरीके से। तो देखिए जब सिलेंड्रिकल कैम को हम रोटेट कराएंगे यहां से, इस सिलेंड्रिकल कैम को जब हम यहां से रोटेट कराएंगे तो रोटेट करने से क्या होगा, ये वाला जो इसका एंडिंग पॉइंट है, फॉलोअर का एक एंड पॉइंट है, इस ग्रूव में मूव करना स्टार्ट करेगा। इसके जो सर्कमफेरेंस पर हमने ग्रूव काटा हुआ है, जो स्लॉट काटा हुआ है, कैम इस कैम के ग्रूव में फॉलोअर का एंड मूव करना चालू करेगा। मूव करना चालू करेगा तो वो देखिए कभी ऑक्सीलेट करेगा, कभी देखिए इस तरीके से आगे ऊपर जाएगा। जब ये वाला एंड यहां पहुंच जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा आगे, और जब ये बिल्कुल नीचे पहुंच चुका होगा तो वापस इस तरीके से आ जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा। तो इसका मोशन कैसे हो रहा है, जैसे झूला होता है, ऑक्सीलेटिंग टाइप का। सोच पा रहे हैं इसको, इमेजिन कर पा रहे हैं? ठीक, तो यहां पर जो सिलेंड्रिकल कैम है, ठीक, हमने क्या किया है, इसके सर्कमफेरेंस पर, सर्कमफेरेंशियल सिलेंड्रिकल कैम क्यों, क्योंकि हमने यहां पर इसके सर्कमफेरेंस पर एक ग्रूव कट कर दिया है। ठीक, इसी सिलेंड्रिकल कैम में एक एक और आता है जिसको हम बोलते हैं एंड फेस, एंड या फेस सिलेंड्रिकल कैम, मतलब यहां पर जो हमने ग्रूव कट किया है, कहां कट किया है, इसके सर्कमफेरेंस पर, यहां पर हम एंड फेस पर करेंगे। क्या जो एंड होगा या इसका फेस, मतलब जो सामना होता है, जो पाई आर स्क्वायर वाला पार्ट होता है, सामने वाला, ठीक है। जैसे मैं इसको लूं, अगर जैसे मैं मान लीजिए इसको सिलेंडर मानता हूं, जो सामने वाला पार्ट है, यहां पे ग्रूव में अगर हम फिक्स कर दें फॉलोअर के एक एंड को, ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे फेस या एंड सिलेंड्रिकल कैम। क्लियर? अब यहां पे कैसे मूव करेगा, देखिए जब हम यहां पे इसको मूव कराएंगे फेस पर, तो कभी कैम आगे की तरफ जाएगा, कभी फॉलोअर आगे की तरफ जाएगा, कभी पीछे की तरफ जाएगा, तो फॉलोअर का आगे पीछे मोशन होगा। पढ़ लेते हैं क्या है ये, सिलेंड्रिकल कैम इज अ सिलेंडर, सीधी सी बात है, सिलेंडर में बनाया हमने ग्रूव, इसलिए सिलेंडर होगा, विच हैज अ सर्कमफेरेंशियल कंटूर और ग्रूव कट, क्या है, जिसके सर्कमफेरेंस पर, आउटर पेरिफेरी पर हमने ग्रूव या स्लॉट कट किया हुआ है, ठीक है। इन सरफेस एंड रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, क्या करेगा ये, देखिए ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा कैम,
जब कैम रोटेट करेगा तो क्या होगा, फॉलोअर उसमें मूव करेगा, ऑक्सीलेट करेगा. रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, इट इज ऑल्सो नोन एज बैरल और द ड्रम. समझ में आ गया, इसको बैरल या ड्रम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो सिलेंडर के टाइप की होती है, सिलेंडर के तरीके की होती है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. अ कैम इन विच फॉलोअर रेसिप्रोकेट्स और ऑक्सीलेट्स. क्या कह रहा है कैम, क्या कर रहा है, या तो रेसिप्रोकेट कर रहा है या ऑक्सीलेट कर रहा है. इन अ प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कैम इज नोन एज, बताइए. अरे अभी अभी पढ़ा हुआ है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है ये, एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है. अ कैम, एक ऐसा कैम इन विच, जिसमें द फॉलोअर रेसिप्रोकेट्स, जिसमें फॉलोअर क्या करे, या तो रेसिप्रोकेट करे या और ऑक्सीलेट्स, या तो ऑक्सीलेट करे. इसकी बात कर रहा है फॉलोअर की, फॉलोअर या तो रेसिप्रोकेट करेगा या ऑक्सीलेट करेगा. इन अ प्लेन, उस प्लेन में पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कैम इज नोन एज, जिसमें कैम की एक्सिस के अबाउट, जिसमें कैम की एक्सिस के अबाउट क्या करेगा मेरा फॉलोअर, मूव करेगा या ऑक्सीलेट करेगा, ऐसे कैम को क्या बोलते हैं. समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये इसको हम बोलते हैं सिलिंड्रिकल कैम. दिखाई दे रहा है, अरे यार अभी अभी बताया ना, ये देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को. देखिए अच्छा, ये क्या जा रहा है, ये कैम की एक्सिस जा रही है, ये कैम की एक्सिस जा रही है, और जब ये ग्रूव मूव करेगा, इस ग्रूव में ये फॉलोवर का एक एंड मूव करेगा, तो फॉलोवर कैसे मूव कर रहा है, देखिए कभी ऐसे जा रहा है कभी ऐसे, ऑक्सीलेट कर रहा है, तो एक्सिस भी ऐसे जा रही है और फॉलोअर का मोशन भी कैसा कर रहा है, या तो ऑक्सीलेट करेगा या रेसिप्रोकेट करेगा. ठीक है, कैम की एक्सिस भी जा रही है क्योंकि सिलेंडर है, तो कैम की एक्सिस ऐसे ही जा रही होगी, एक सिलेंडर मान लीजिए, और फॉलोअर का मूवमेंट भी क्या हो रहा है, एक्सिस के अलोंग ही तो हो रहा है, फॉलोअर का मूवमेंट भी तो ऐसे कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है इसमें. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिलेंड्रिकल कैम. तो यही तो पूछ रहा है आपसे कि एक ऐसा कैम जिसमें फॉलोवर कैम की एक्सिस के अलोंग मूव करे, क्या होता है, सिलेंड्रिकल कैम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल कैम. क्लियर है पॉइंट. नेक्स्ट पार्ट, अगला क्या है, कॉन्जुगेट कैम. अगला देखिएगा, कॉन्जुगेट कैम, पांचवा पार्ट है हमारा, पांचवा कॉन्जुगेट कैम. क्या कहता है, कैम्स आर प्रेफर्ड व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर लोवियर. मतलब कॉन्जुगेट कैम का यूज हम कब करेंगे, जब रिक्वायरमेंट हो लो वियर की, क्योंकि ये बहुत ही कम वियर देता है हमारे सिस्टम में. अब आप कहोगे वियर कहां से मिलेगा यार, बिल्कुल मिलेगा. देखिए लेट्स से ये कैम हो गया, यहां पर इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा, यहां पर कोई फॉलोअर है, नाइफ एज फॉलोअर बनाया मेरे, यहां पे स्प्रिंग हो गई, यहां पे फ्रेम हो गया, गाइड हो गया. अब अगर ये दोनों कॉन्टेक्ट में है और इनके बीच में मोशन हो रहा है, तो क्या रबिंग नहीं हो रही होगी, और अगर रबिंग हो रही होगी तो क्या यहां पर वियर नहीं हो रहा होगा, इस वाले पॉइंट पर वियर भी तो हो रहा होगा. और अगर नाइफ एज फॉलोअर है तो बहुत ज्यादा वियर हो रहा होगा. मतलब जैसे आपने पेंसिल की टिप देखी है, जब पेंसिल की टिप बहुत ज्यादा नुकीली होती है, शार्प होती है, तो उस वक्त बहुत तेजी से घिसती है, तो घिसना एक तरीके का वियर ही तो हुआ उसका, जो वियर हो रहा है या रब हो रहा है पेपर पर, तो वो घिस ही तो रही है. तो यहां पर भी क्या है, अगर नाइफ एज फॉलोअर है तो यहां पर उसका वियर बहुत तेजी से होगा स्टार्टिंग में. ठीक है, तो वो उस वियर की बात कर रहा है. तो कह रहा है कॉन्जुगेट कैम का यूज हम कब करेंगे, कॉन्जुगेट कैम का यूज हम कब करेंगे, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लो वियर की. ठीक है, या लो नॉइस की. बेटर कंट्रोल ऑफ द फॉलोअर, इसमें हम फॉलोअर पर अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि वियर कम हो रहा है. अगर वियर कम हो रहा है तो नॉइस कम होगा, वाइब्रेशंस कम होंगे. भाई वियर ज्यादा होगा तो फ्लक्चुएट ज्यादा करेगा ना, बहुत तेजी से घिसेगा. हाई स्पीड, भाई अगर वियर कम हो रहा है मतलब कंट्रोलिंग अगर हम अच्छे से कर पा रहे हैं, अगर किसी चीज को आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओ, फॉर एग्जाम्पल साइकिल या बाइसिकल, आपकी मोटर बाइक, अगर आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो तभी तो आप उसको हाई स्पीड पे चला पाओगे.
अब आप कंट्रोल ही, आप 20 की स्पीड में ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो क्या आप 50 की स्पीड पे चला पाओगे? नहीं। तो इसमें कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छी होती है फॉलोअर की। अगर कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हाई स्पीड पर भी चला सकते हैं। एक हाई डायनेमिक लोड्स, वियर कम हो रहा है तो इस पर हम लोड और बढ़ा सकते हैं। वियर कम हो रहा है, कम वियर हो रहा है तो इस पर हम पहले से ज्यादा लोड अप्लाई कर सकते हैं, तो हाई डायनेमिक लोड्स एटसेट्रा। तो देखिए कितना ज्यादा फायदेमंद है क्या कॉन्जुगेट कैम। इट कंसिस्ट टू कॉन्जुगेट आर्म्स ऑफ द फॉलोअर्स। ये क्या करेगा, इसमें याद रखिएगा, इसमें कॉन्जुगेट कैम में आर्म्स के दो, फॉलोअर के दो आर्म्स होते हैं। कॉन्जुगेट कैम में फॉलोअर्स के दो आर्म होते हैं। क्लियर पॉइंट। कॉन्जुगेट कैम्स में फॉलोअर के दो कॉन्जुगेट आर्म होंगे। दिखता कैसे, ये देखिए इस तरीके से। क्या है ये, हो गया मेरे कैम, ठीक है। तो इसमें कैम की दो डिस्क यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। कैम की दो डिस्क यूज कर रहे हैं, एक ये वाली डिस्क है दिस, एंड दिस इज डिस्क नंबर टू, दिस इज डिस्क नंबर वन। And the second disc is above disc number 2. This is disc number 2. Here. अब यहां पर देखिए follower, यहां पर हमारे पास follower है। इस follower के दो conjugate arm, इस follower के दो conjugate arm इस फॉलोअर के हमारे पास दो कॉन्जुगेट आर्म। अब क्या होगा, कैम को हमने रोटेट कराया, ठीक है। तो कैम को जब आप अपनी, ये देखिए इसका जो सेंटर है वो वापस से इसके सेंटर पर नहीं है, सेंटर से थोड़ी सी एसेंट्रिसिटी पोजीशन पर है, ठीक। वैसे तो सेंटर यहां होना चाहिए था लेकिन कुछ नीचे है, मतलब एसेंट्रिसिटी है। तो जब ये मूव करेगा तो कभी ये वाला फॉलोअर ऊपर जाएगा, कभी ये वाला फॉलोअर नीचे आएगा। बात समझ पा रहे हैं? देखिए जब एसेंट्रिसिटी इसकी ऊपर की तरफ है, मतलब ये वाला डिस्क ऊपर की तरफ है, तो फॉलोअर ये वाला ऊपर जाएगा। जब ये घूमकर नीचे की तरफ आएगा तो ये वाला फॉलोअर नीचे जाएगा, ये वाला फॉलोअर नीचे आएगा। पॉइंट समझ पा रहे हैं? अगर एक फॉलोअर का आर्म ऊपर जा रहा है तो दूसरा भी तो ऊपर जाएगा, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं एक ही लिंक से। यहां पर अगर एक ऊपर, मतलब आप समझो ये दो हाथ को ऐसे, मतलब ये इस तरीके का है, दोनों को ऐसे जोड़ा हुआ है। जब ये वाला मेरी चारों उंगलियों वाला आर्म ऊपर जाएगा तो ये भी तो ऊपर जाएगा, और जब ये नीचे जाएगा ऐसे, तो जब कैम रोटेट करेगा तो इसका मोशन देखिए ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे। कैसा मोशन है इसका, ऑक्सीलेटिंग टाइप का, ठीक है। अब देखिए वियर कम हो रहा है, क्यों वियर कम होता है इस पर ध्यान दीजिए। यहां पर हमने पढ़ा ना कि इसमें लो वियर लो नॉइज, आप देख पा रहे हो यहां पे नाइफ एज फॉलोअर नहीं है। कैसा फॉलोअर है, इस फॉलोअर पर हमने रोलर लगा दिया है। क्या लगा दिया है, ये देखिए यहां पर रोलर लगा दिया है, और जब भी आप रोलर लगाते हो तो उस पर फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। यहां पे रोलर लगा दिया ना, तो रोलर लगाने की वजह से इस पर क्या हो गया, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई। फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई तो वियर कम हो गया, वियर कम हो गया तो नॉइस कम आएगी, वियर कम हो गया नॉइस कम आ रही है, बेटर कंट्रोल है तो हम उसको हाई स्पीड पे चला सकते हैं और पहले से ज्यादा लोड डाल सकते हैं। क्लियर है पॉइंट, ठीक। तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट कैम। स्फेरिकल कैम, देखिए जो हमने एक पढ़ा है सिलेंड्रिकल कैम और स्फेरिकल कैम, ठीक है। देख लीजिए पहले कैसे दिखाई देता है, आपको ये दिखाई दे रहा है। इसमें जो हमने सिलेंड्रिकल में क्या लिया था, सिलेंड्रिकल कैम में हमने क्या किया था, इस कैम की शेप को हमने सिलेंडर टाइप का लिया था। तो बताइए स्फेरिकल कैम में कैसा होगा, स्फेरिकल कैम में जो हम कैम की शेप को लेंगे, देखिए कैसा होगा, दिस कैम इज इन द शेप ऑफ स्फीयर। किस शेप का होगा, स्फीयर शेप का होगा थोड़ा, ठीक है। तो यहां पर जो कैम की शेप होगी वो कैसी होगी, स्फीयर शेप की होगी। इन स्फेरिकल कैम द फॉलोअर ऑक्सीलेट्स अबाउट एन एक्सिस
परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द कैम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे सिलेंड्रिकल कैम में हमने क्या लिखा था, क्या देखा था सिलेंड्रिकल कैम में, कि जो फॉलोवर के ऑक्सीलेट करने की डायरेक्शन थी या ऑक्सीलेट करने की दिशा थी वो क्या थी, सिलेंड्रिकल कैम की एक्सिस की डायरेक्शन में थी ना। जो फॉलोवर के मूव करने की डायरेक्शन थी वो क्या थी, दैट वॉज इन द डायरेक्शन ऑफ कैम एक्सिस। यहां पर क्या है, ध्यान से देखिए, इन स्फेरिकल कैम द फॉलोअर एक्स द फॉलोअर ऑक्सीलेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम। मतलब यहां पर जिस एक्सिस के अबाउट हमारा कैम रोटेट कर रहा होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा फॉलोअर ऑक्सीलेट कर रहा होगा। फर्क समझ लीजिए, सिलेंड्रिकल कैम में क्या हो रहा था, सिलेंडर ये हमारा घूम रहा था कैम, ठीक, तो सिलेंडर हमारा ये घूम रहा था, उसकी एक्सिस ऐसे हो गई, उस पर हमने आउटर पेरिफेरी पे कट्स बनाए हुए थे, तो फॉलोअर का मोशन कैसे हो रहा था, फॉलोअर भी एक्सिस की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा था। यहां पर क्या है, यहां पर स्फेरिकल में अगर एक्सिस की डायरेक्शन ये है, ये मेरी फिंगर की डायरेक्शन को मान लीजिए स्फेरिकल कैम की एक्सिस की डायरेक्शन, तो यहां पे फॉलोअर का मोशन इसकी एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं होगा, इसकी एक्सिस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से। समझ पा रहे, सिलेंडर में ऐसे हो रहा था और स्फेरिकल में इस तरीके से हो रहा है, पॉइंट समझ पा रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इन स्फेरिकल कैम द फॉलोअर ऑक्सीलेट्स अबाउट एन एक्सिस, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम। क्लियर है, यहां पे देखिए फिगर से आपको समझ में आएगा। देखिए ये है स्फेयर टाइप का हमने कैम बना दिया है, ये हमने स्फेयर टाइप का कैम बनाया, ग्रूव्स हमने वहां पर भी कट किए थे, ग्रूव हमने यहां पर भी कट किए हुए हैं, और इसमें फॉलोअर के एक एक एंड को यहां पर फिट कर दिया। अब जब कैम रोटेट करेगा, लेट्स से कैम हमारा जब इस तरीके से रोटेट करेगा, तो ये ग्रूव में ये वाला जो पीस है, ये जो पीस आपको दिखाई दे रहा है, दिस पीस इज फिटेड इन द ग्रूव, दिस पीस ऑफ फॉलोअर एंड पीस ऑफ फॉलोअर इज फिटेड इन द कैम ग्रूव। क्या होगा, कभी ये नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, तो इसका जो मोशन हो रहा है इस तरीके से हो रहा है, ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है, एक्सिस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है, स्फीयर है तो स्फीयर इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे, तो ये पूरा का पूरा एक स्फीयर आप समझो स्फीयर, तो ये वाला जो ग्रूव है कभी आगे इस तरफ जा रहा है कभी इस तरफ जा रहा है कभी इस तरफ जा रहा है कभी इस तरफ जा रहा है, तो इस तरीके से ऑक्सीलेट कर रहा है एक्सिस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर है पॉइंट, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इस लाइन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, सॉरी अभी तक क्वेश्चंस इस पे बने नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, सिलेंडर पे तो आया हुआ है, इसका क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्लोबॉइडल कैम, जैसे ग्लोब देखा है आपने, ग्लोब, भारत का नक्शा ग्लोब, तो यहां पे अब आप बताओ कैम की शेप क्या होगी, कैम की शेप होगी ग्लोब के तरीके से, ग्लोबॉइडल कैम, नाम जितने भी नाम होंगे वो उसकी शेप को बता रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट हैज टू टाइप्स ऑफ सर्फेसेस, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें दो तरीके की सर्फेसेस होती है हमारे पास, एक तो ग्लोबॉइडल में, एक तो कॉन्वेक्स टाइप की सर्फेस होगी, एक तो कॉन्वेक्स टाइप की सर्फेस होगी, और दूसरी कॉनकेव टाइप की सर्फेस होगी। ग्लोबॉइडल में क्या होगा, दो तरीके की सर्फेस होगी, टू टाइप्स ऑफ सर्फेस, और वो सरफेस कैसी, एक कॉन्वेक्स टाइप की और एक कॉनकेव टाइप की। इट इज यूज्ड व्हेन द मॉडरेट स्पीड एंड द एंगल ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द फॉलोअर इज लार्ज, मतलब इस तरीके का कैम ग्लोबॉइडल हम तब यूज करेंगे जब हमें जो एंगल ऑफ ऑक्सीलेशन, मतलब जो ऑक्सीलेशन तो करना हुआ कि कोई चीज मूव कर रही है ऐसे, मैंने आपको ऑक्सीलेशन का मतलब बताया था, मैंने आपको ऑक्सीलेशन का मतलब बताया था, ऑक्सीलेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था,
मैंने बताया था क्रैंक कैसा मोशन करता है, क्रैंक करता है रोटरी मोशन, रोटेशन करता है, ठीक है, रोटेशन। और रोटेशन का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, वो पूरा का पूरा रोटेट करेगा 360 डिग्री। लेकिन जो ऑक्सीलेशन होगा, ऑक्सीलेशन इज लेस देन 360 डिग्री, ऑक्सीलेशन इज लेस देन 360 डिग्री, मतलब जो हमारा ये ऑक्सीलेशन होगा, सॉरी, जो हमारा ये ऑक्सीलेशन होगा, ये ऑक्सीलेशन पूरा का पूरा नहीं जाएगा, पूरा नहीं, या तो ऐसे या तो ऐसे। दैट थीटा विल बी, दिस थीटा विल बी लेस देन 360 डिग्री, क्लियर। तो ये तो मेरा ऑक्सीलेशन हो गया। अब जो ये ऑक्सीलेशन हुआ, ये ऑक्सीलेशन भी छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। मतलब एक तो ये इतना ऑक्सीलेट कर रहा है, इस तरीके से देखिए, एक तो ये इतना ऑक्सीलेट कर रहा है ऐसे, एक तो ये इतना लंबा ऑक्सीलेट कर रहा है। तो ऑक्सीलेशन भी दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो स्मॉल ऑक्सीलेशन, छोटा ऑक्सीलेशन, और दूसरा लार्ज ऑक्सीलेशन। तो ग्लोबॉइडल कैम का यूज हम किस लिए करते हैं? मॉडरेट स्पीड के लिए, मॉडरेट स्पीड के लिए। और जब हमें लार्ज एंगल ऑफ ऑक्सीलेशन जो होता है, लार्ज चाहिए होता है, लार्ज एंगल ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द फॉलोअर, मतलब जो एंगल ऑफ ऑक्सीलेशन चाहिए, ये जो फॉलोअर है मेरा, ये जो फॉलोअर है ऑक्सीलेट कर रहा है, ये बहुत लार्ज एंगल से ऑक्सीलेट कर रहा है ऐसे ऐसे, तब हम किसका यूज करेंगे? ग्लोबॉइडल कैम का। इसमें दो सर्फेसेस होती हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये देखिए इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गई। कॉन्वेक्स सरफेस, आपको लेंस आपने देखा होगा ना, कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से होता है और कॉनकेव कुछ इस तरीके का होता है। ये होता है कॉन्वेक्स, जिसको हम उत्तल बोलते हैं, उत्तल लेंस, और ये होता है कॉनकेव, जिसको हम अवतल लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉन्वेक्स में सरफेस उभरी हुई होती है, देखिए यहां पर सरफेस उभरी हुई है बाहर की तरफ, और कॉनकेव में सरफेस अंदर की ओर दबी होती है। तो देखिए यहां पे सरफेस कॉनकेव में, कॉनकेव ग्लोबॉइडल में अंदर की तरफ दबी हुई है। बाकी प्रोसीजर वही है, दोनों में ग्रूव्स कट किए हुए हैं, फॉलोअर के एक एंड को वहां फिक्स कर दिया है, और जब ये कैम अपनी एक्सिस के अबाउट घूमेगा, जब ये कैम अपनी एक्सिस के अबाउट घूमेगा, तो ये इसमें ऑक्सीलेट करेंगे। और यहां पर जो ऑक्सीलेशन होंगे, ध्यान रखिएगा, यहां पर जो फॉलोअर के ऑक्सीलेशन होंगे, फॉलोअर्स के जो ऑक्सीलेशन होंगे, वो बहुत लार्ज ऑक्सीलेशन होंगे। क्लियर है पॉइंट? यहां पर जो फॉलोअर्स के ऑक्सीलेशन होंगे, वो बहुत ही लार्ज ऑक्सीलेशन होंगे। क्लियर है पॉइंट? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू द फॉलोअर मोशन, ठीक है, ये हमें चार तरीके के ग्राफ मिलते हैं, फिर हम पढ़ेंगे फॉलोअर के टाइप, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर्स के, इसको आप रिवाइज करिएगा। देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको देखना था किस किस तरीके का कैम होता है, कैम की शेप कैसी होती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। जब हम कैम टर्मिनोलॉजी पे आएंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए ये स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू।